माय YouTube चैनल। हमारा आज का 9th लेक्चर है इंटीग्रेशन का। इससे पहले हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स प्रॉपर्ली खत्म कर दिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में ये चीज आती रहती है। डेफिनेट इंटीग्रल्स हम डीप में घुसे उससे पहले हम इसके बेसिक्स सीख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आज इस वीडियो में हम इंट्रो पार्ट रखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। इसमें आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का भी यूज होगा, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, इन तीनों का यूज होगा। आपका इंटीग्रेट करोगे तब उसके बाद आपका लिमिट्स की जो चीजें हैं वो आएंगी। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स हम शुरू करते हैं। इसमें देखो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर कि डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में डिफरेंस क्या क्या है। डेफिनेट इनडेफिनिट जब हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास एक फंक्शन हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई टी, मतलब किसी भी रेस्पेक्ट में, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन हुआ करता था एंड उसको हम उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे। ये हमारा इंटीग्रेट का सिंबल था, ये था हमारा इनडेफिनिट। तो हमारा अगर ये इनडेफिनिट है तो हमारा डेफिनेट में क्या अंतर आएगा? डेफिनेट में हमारा सिर्फ थोड़ा सा अंतर आएगा। ये हमारा एक फंक्शन है एक्स में, चाहे वाई में, चाहे टी में, किसी भी एक वेरिएबल में, उसको हम उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसमें क्या डिफरेंस है? देखो ये इनडेफिनिट, ये डेफिनेट, दोनों सेम दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आपकी एक लोअर लिमिट, एक यहाँ पे अपर लिमिट। ए एंड बी ये आपकी लिमिट्स हो गई, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अभी इसकी बात करेंगे कि ये होती क्या है। ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब यहाँ पे चाहे आपका ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ए आपका कुछ भी नंबर हो सकता है रियल नंबर में, बी आपका कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर्स पे, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है आपका, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब, आपका साइन एक्स, फिर आपका साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स हम कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसमें आपके ऐसे आएंगे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। अगर आपका ऐसे आ गया कि 1 upon x plus 1 plus 1 upon x plus 2, इसमें हमने log वाली प्रॉपर्टीज पढ़ रखी कि ये log x plus 1 log x plus 2, अगर आपका ऐसे आ गया कि x square plus 3 upon x square plus x plus 1, तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन या फिर जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो चीज हम लगाएंगे इसमें। उसके बाद अगर आपका ऐसे आ गया x cube sin x sin x, एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करना है कोई भी लेट से 1 से लेकर 2 तक, तो ये हो गया आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसको पहले इंटीग्रेट करने में यहाँ पे लगेगा पहले आपका बाय पार्ट्स, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपकी मेन चीज डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इनडेफिनिट आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब देखो एक और डिफरेंस है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। इनडेफिनिट में हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलता है, जबकि इसमें हमारा निकलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें याद है हम प्लस सी लगाते थे लास्ट में, हर इंटीग्रेशन के बाद में हम प्लस सी लगाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन है उसमें अगर कोई कांस्टेंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए उस जो एरर है उसको हम कवर करने के लिए यहाँ पे प्लस सी लगाते थे। बट सिंस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम प्लस सी वाला खेल नहीं खेलेंगे, यहाँ पे हम प्लस सी नहीं लगाने वाले, तो यहाँ पे इसलिए हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है। मतलब सी की वैल्यू आप चेंज करते रहो, आपका आंसर चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रल आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आप सी की वैल्यू चेंज करते रहो, 0, 1, 2, आपका फंक्शन चेंज होता रहेगा, आंसर चेंज होता रहेगा। इन शॉर्ट ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर यहीं पे होता साइन एक्स डी एक्स ए से बी, तो इसका आंसर आपका हो जाता कॉस ए माइनस कॉस बी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें हम प्लस सी नहीं लगाते, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो अब इसमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं एक्स्ट्रा, इसमें ए एंड बी हमें गिवन हो गए क्वेश्चन में, हम पुट करेंगे, देखेंगे कैसे करा उसके। अब देखो यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सके, इसलिए यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन एंड यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ग्राफ वाइज देखें, डोमेन देखें, रेंज देखें,
तब देखते हैं क्या अंतर आता है इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स में। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेम रिप्रेजेंटेशन है बट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आ जाती है इसमें। देखो आपका लेट से कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड हमें इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक। ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी तक। ध्यान रहे जो यहां पे जिसकी रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी के जो लिमिट्स हैं वही आएंगे। अगर यहां पे ऐसे होता ए से लेके बी एफ ऑफ वाई मतलब वाई नया फंक्शन एंड डी वाई, तो ये आपकी वाई जो एक्सिस है वाई एक्सिस के नंबर हैं, ये ए एंड बी जो आपके वो वाई की वैल्यूज है वाई एक्सिस पे लाए करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है, ये एक्स पे ये वाई पे। अगर कोई टी होता तो हम वो टी एक्सिस लेट करते हैं, टी एक्सिस पे वो नंबर लाए करते एंड वो आपकी टी की वैल्यूज दी होती है ए एंड बी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज ए एंड बी, यहाँ पे वाई की वैल्यू ए एंड बी है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप उसको देख के समझ जाओगे। तो हमें फॉर नाउ हम एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं, ये वाला केस लेते हैं ठीक। इसमें हमें ये सॉल्व करना है। अब ये होता क्या है इंटीग्रेशन, लेट्स से हमारा एफ एक्स का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया, ऐसा कुछ हमारा ग्राफ बना रैंडम सा एंड यहाँ पे आपका एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ पे है आपका एक्स इक्वल्स टू बी, आपका एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड जब हमारा फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हमें देगा ये एरिया कितना कवर हो रहा है, ये जो एरिया कवर हो रहा है ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस तक, ग्राफ से नीचे एक्स एक्सिस तक, वो आंसर है हमारा इस चीज का। किस चीज का, ए से लेके बी तक। देखो ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा हो गया इस पर्टिकुलर, ये जो शेडेड रीजन है ये वाला क्रॉस में शेडेड है ऐसे भी एंड ऐसे भी, वो हमारा इसका आंसर है। मतलब एरिया इसने इस ग्राफ ने कितना एरिया बनाया एक्स एक्सिस से लेके अपने तक, एक्स एक्सिस से लेके अपने तक कितना एरिया कवर करा है वो हमारा फाइनल आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स का। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स आपके होते हैं एरिया, डेफिनेट इंटीग्रल्स की अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो एरिया कवर्ड बाय एफ एक्स बिटवीन ए एंड बी, एरिया कवर्ड बाय एफ एक्स बिटवीन ए एंड बी, या फिर एरिया अंडर कर्व, कोई भी चीज बोलो आपकी सेम चीज है एरिया अंडर कर्व। देखो कर्व के नीचे जितना एरिया है, कर्व के नीचे एरिया अंडर कर्व, कर्व के अंडर में जितना एरिया आ रहा है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स हुआ, या फिर एरिया कवर्ड बाय एफ एक्स, ये एफ एक्स का ग्राफ है आपका ठीक। इस फंक्शन ने जितना भी एरिया कवर किया बिटवीन कहां से कहां तक, एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी तक, मतलब इतने पोर्शन में जो भी आपका एरिया कवर हुआ है वो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का आंसर आएगा वो इसके एरिया के इक्वल आएगा। अभी हमें इसके एरिया की डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि हमें अगला जो चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स उसमें हमें पढ़ना है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट्स अगर नहीं दी हुई हैं तब हम कैसे एरिया निकालेंगे। बाकी मतलब सिर्फ हमें फंक्शन दिया होगा, लेट्स से हमें सर्कल की इक्वेशन दी होगी एंड हमें लिमिट्स भी खुद निकालनी पड़ेगी, हमें उसका एरिया खुद निकालना पड़ेगा, सब चीज हम देखेंगे। हम पहले अब डेफिनेट इंटीग्रल्स पे आते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, देखो एफ एक्स डी एक्स ए बी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। लेट्स से इंटीग्रेट करने के बाद आपको एफ ऑफ एक्स आता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये चीज हमें मिलती है। आपकी लोअर लिमिट देखो, इंटीग्रेट आपने कर दिया, अभी आपने सिर्फ इंटीग्रेट करा, आपने लिमिट्स अभी पुट नहीं करी हैं, आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऐसे लिखती हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लोअर लिमिट अपर लिमिट। उसके बाद पहले x की जगह b डालेंगे, x की जगह b डाला फंक्शन में, जो भी इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन आया उसमें हम अपर लिमिट डालेंगे, उसके बाद हम लोअर लिमिट डालेंगे उसमें एंड हम माइनस कर देंगे, ये है हमारा फाइनल आंसर। पहले हमने अपर लिमिट की वैल्यू डाली, लोअर लिमिट की वैल्यू डाली एंड अपर में से लोअर को हमने माइनस कर दिया। देखते हैं अब एक एग्जांपल देखते हैं, हमारा एक्स डी एक्स
वन से टू, इसमें हमारा फंक्शन है x, a इक्वल्स टू वन, b इज इक्वल्स टू टू. हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो a इक्वल्स टू वन, b इक्वल्स टू टू एंड fx इक्वल्स टू x. इसको इंटीग्रेट करके, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन टू. इंडेफिनेट में जैसे करते थे वैसे इंटीग्रेट करा हमने, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन टू. अब हम लिमिट्स लगाएंगे, लोअर लिमिट वन अपर लिमिट टू, लोअर लिमिट वन अपर लिमिट टू, इंटीग्रेट करके x का आया x स्क्वायर अपॉन टू. अब क्या करेंगे, x में पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डाली तो टू स्क्वायर अपॉन टू, लोअर लिमिट डाली तो लोअर मतलब लोअर लिमिट का स्क्वायर अपॉन टू, बीच में कर दिया माइनस, मीन्स ये हो गया टू इंटू टू अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू. ये हो गया आपका फोर माइनस वन मतलब थ्री अपॉन टू. अब हो गया आपका फाइनल आंसर. देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट प्लस में नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई प्लस सी ऐसे नहीं है जिसको हम बार बार चेंज करते रहें. यहाँ पे अगर वन हो टू हो तो अलग अलग आंसर होंगे, बट डेफिनेट इंटीग्रल्स के केस में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. थ्री बाई टू आपका फाइनल एंड पर्टिकुलर आंसर है इस इंटीग्रल का. इस इंटीग्रल का हमारा फाइनल आंसर है थ्री अपॉन टू. सेम हम और भी चीजें देखेंगे जैसे हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में देखा था. देखो हमारी एक्सरसाइज 7.9 दी हुई है पूरी, उसमें आपके 20-25 क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. बट एक चीज देखो, हम यहाँ पे ए जो है हमारा, ए को हम बोलते हैं लोअर लिमिट एंड बी को हम बोलते हैं अपर लिमिट. ए हमारी लोअर लिमिट है, बी हमारी अपर लिमिट है. हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, आपकी 7 to 8 प्रॉपर्टीज होंगी एंड अच्छी खासी प्रॉपर्टी हैं. अगर आप वो भूल गए, मतलब शॉर्टकट है एज इट, मतलब ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अगर टफ पड़ रहा है तो आप प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको ईजी बना सकते हो, इसलिए वो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है. इन शॉर्ट ए को हम बोलेंगे लोअर लिमिट, मतलब जो नीचे होगी वो होगी लोअर लिमिट, जो ऊपर है वो है अपर लिमिट. इस केस में हमारी लोअर लिमिट है 1 एंड 2 जो है वो है हमारी अपर लिमिट. 2 हमारी अपर लिमिट, लोअर लिमिट हमारी 1. एंड हमने ग्राफ में भी देखा था कि ऐसा ऐसा कुछ बना था, यहाँ पे ए था, ए मतलब छोटा था एंड बी हमारा बड़ा था, तो बी हमारी अपर लिमिट है मतलब ऊपर की साइड. जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा है वैसे वैसे बी आगे आते जा रहा है, एंड जैसे जैसे ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ मतलब पीछे है तो आपको ए मिल रहा है, पीछे मतलब लोअर लिमिट, आगे मतलब अपर लिमिट, ऐसे आप कुछ समझ सकते हो. ठीक, अभी लिमिट एज अ सम में भी हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लिमिट एज अ सम क्या होता है वो भी देखेंगे. इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.9 पे चलते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपको वैसे ही इंटीग्रेट करना है जैसे हमने सीखा था इनडेफिनेट में. इनडेफिनेट में हमारा पार्शियल फ्रैक्शन और उसके बाद हमने बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं x प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रल माइनस वन टू वन x प्लस वन इंटू डी एक्स. इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले नॉर्मल इंटीग्रेट करो, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन का इंटीग्रेशन होगा x, इंटीग्रेट करके ये चीज आई, लोअर लिमिट हमारी माइनस वन, अपर लिमिट प्लस वन. अब अपर लिमिट की वैल्यू रखो, अपर लिमिट की वैल्यू रखी हमने तो क्या आया, वन स्क्वायर मीन्स वन अपॉन टू प्लस वन, ये हमारी अपर लिमिट पे वैल्यू आई है. एंड लोअर लिमिट पे क्या वैल्यू आएगी, माइनस वन रखो, माइनस वन का स्क्वायर आपका वही प्लस वन हो जाएगा एंड वन अपॉन टू, एंड यहाँ पे माइनस वन रखो तो माइनस वन, बीच में आपका माइनस का साइन. ठीक, अपर लिमिट पे ये वैल्यू, लोअर लिमिट पे ये वैल्यू, बीच में माइनस, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, वन अपॉन टू प्लस वन, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया टू. तो कैसे करा, इंटीग्रेट कर लिया पहले, अपर लिमिट पे वैल्यू निकाली, लोअर लिमिट पे वैल्यू निकाली, अपर में से लोअर को माइनस कर दिया, सिंपल. ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम. अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं कोई सा, साइन टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय फोर. ध्यान रहे आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तब लिमिट्स आपकी एंगल्स में होंगी, ऐसे हो सकता है माइनस पाई बाय टू से आपकी प्लस पाई बाय टू, इस टाइप की आपकी लिमिट्स हो सकती हैं.
या आपकी मतलब एंगल में लिमिट्स होंगी जब जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, कंपलसरी नहीं है बट यस मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एंगल आएंगे पाई बाय टू, पाई बाय सिक्स, पाई बाय एट, ऐसे करके एंगल्स आपके आएंगे। इस केस में पाई बाय फोर अपर लिमिट एंड जीरो हमारी लोअर लिमिट। इंटीग्रेट कैसे करना है, दो तरीके हैं, आप साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स कर लो एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। मैं लगा के दिखा देता हूं, जीरो से पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, जीरो से पाई बाय फोर, साइन टू एक्स को लिख लिया हमने टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हमने क्या करा, साइन एक्स इक्वल्स टू टी लेट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम टी लेट करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, एक्स का हो गया डी एक्स एंड टी का हो गया डी टी। ठीक, अब कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम रख देंगे डी टी, ये हमारा इक्वल हो गया। अब देखो इसमें अब दो चीजें हैं, इसमें आपको सीखनी पड़ेंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है, इसलिए मैंने ये मेथड अपनाया है। कॉस एक्स डी एक्स की जगह सबसे पहले देखो, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी, साइन एक्स की जगह हमने लगाया टी एंड टू आपका कॉन्स्टेंट एज इट इज, टू टी डी टी हो गया। अब आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। लिमिट्स क्यों चेंज होंगी, अगर आपका देखो साइन एक्स को हमने टी लेट करा है, यहां पे आपकी टी हो गया, जैसे मैंने बताया था कि आपका एक्स है तो वो आपकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे चलेगी, ए एंड बी हमारा एक्स एक्सिस पे आया था, अगर हमारा वाई होता तो हमारा वाई एक्सिस पे आता। तो हम अब वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू पहले जीरो है एंड बाद में एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर है। एक्स की वैल्यू सबसे पहले ए था, तो ग्राफ में ग्राफ इमेजिन करो, जो ग्राफ मैंने अभी ड्रॉ कराया था उसमें आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो वो ए जीरो है, तो ए जीरो पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई या फिर यहाँ पे टी। सबसे पहले टी इज इक्वल टू साइन, लोअर लिमिट पे देखेंगे तो जीरो, साइन जीरो, तो हमारी साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो हमारा टी इक्वल्स टू जीरो, तो हमारी टी वाले की लोअर लिमिट हो गई जीरो। अब अपर लिमिट देखते हैं, टी इक्वल्स टू साइन पाई बाय फोर, टी की वैल्यू हो गई हमारी वन अपॉन अंडर रूट टू, वन अपॉन रूट टू होती है साइन पाई बाय फोर, मतलब साइन 45 आपकी वन अपॉन अंडर रूट टू। आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो तो आपकी लिमिट्स भी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स एक अलग फंक्शन है, टी एक अलग फंक्शन है, तो इसमें आपको इनके बीच में ये रिलेशन हमने लेट करा है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें जो लिमिट्स है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम एक्स की लोअर लिमिट डालेंगे तो हमें टी की लोअर लिमिट मिलेगी, एक्स की लोअर लिमिट हमने जीरो डाली, साइन जीरो जीरो, लोअर लिमिट मिल गई हमें जीरो। हम अपर लिमिट डालेंगे साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर की वैल्यू साइन पाई बाय फोर की वन अपॉन रूट टू, तो पाई बाय फोर पे मतलब एक्स की जो अपर लिमिट है उस पे हमारी टी की अपर लिमिट क्या आएगी, वन अपॉन रूट टू। अब हमारे पास ये चीज हो गया, अब इसे सॉल्व करते हैं। टू आपका कॉन्स्टेंट, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट वन अपॉन अंडर रूट टू। अब बस कुछ करना ही नहीं आपका, टू से टू कैंसिल, टी टी का स्क्वायर है मतलब वन अपॉन अंडर रूट टू का होल स्क्वायर एंड जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा माइनस, ये आपका वन अपॉन फोर फाइनल आंसर हो गया। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा तो हमारा वन अपॉन फोर आया आंसर। अब मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ, हमें साइन का इंटीग्रेशन पता है एंड हम चेंज रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक, सिंपल, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टू एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, प्लस सी आपका आएगा नहीं, इंटीग्रेशन कराया हमने डेफिनेट वाला, तो जीरो से पाई बाय फोर आपकी लिमिट्स जाएंगी। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट डाली हमने, अपर लिमिट पे हमें मिलेगा माइनस कॉस टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो होल अपॉन टू, ये हमें अपर लिमिट का आंसर मिला। लोअर लिमिट पे हमें क्या मिलेगा, पाई बाय फोर डालते हैं लोअर लिमिट, ये देखो ये जो सॉल्व करने वाला है वो माइनस, प्लस जो इंटीग्रेट करके आया वो माइनस, यहाँ पे कॉस टू इंटू पाई बाय टू होल अपॉन टू पाई बाय फोर, यहाँ पे आपका पाई बाय फोर। ठीक, अपर लिमिट सॉरी यहाँ पे आपकी अपर लिमिट पाई बाय फोर है एंड लोअर लिमिट है आपकी जीरो, मैंने चेंज कर दिया था, लोअर लिमिट है आपकी जीरो। अब ठीक है, देखो अपर लिमिट हमने पाई बाय फोर डाली, माइनस आपका जो इंटीग्रेट करके आया वो जो फंक्शन का माइनस है वो है,
फंक्शन का माइनस, फिर ये जो हमने फॉर्मूले का माइनस है वो, उसके बाद जो फंक्शन का माइनस है ये चीज वो है। एंड अब देखो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। कॉस टू इंटू जीरो, सबसे पहले हम कॉस टू इंटू पाई बाय फोर देखेंगे तो टू पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो, तो मतलब यहाँ पे इस साइड हमारे पास जीरो ही रहेगा। ठीक, उसके बाद माइनस, माइनस करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपका कॉस टू इंटू जीरो विच इज कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू आपकी हो गई वन, अपॉन में आपका टू था तो ये हो गया आपका वन अपॉन टू। यहाँ पे हमने कहीं गड़बड़ करी है इसलिए यहाँ पे वन अपॉन फोर नहीं, हमने वन अपॉन रूट टू का जब हमने स्क्वायर करा तो वन अपॉन टू आना चाहिए था। देखो रूट टू का स्क्वायर करा तो यहाँ पे टू, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, रूट टू का स्क्वायर करा तो हमारे पास टू आना चाहिए, मैंने यहाँ पे फोर लिख दिया था गलती से। ठीक, अब देखो हमने इस मेथड से सॉल्व करा तब भी हमें आंसर वन बाय टू मिला, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा तब भी हमें आंसर वन अपॉन टू मिला। मीन्स हमने जो यहाँ पे ये चीज करी, लिमिट्स चेंज करी, वो हमारी बिल्कुल ठीक थी। लिमिट्स जो हमने चेंज करी हैं वो हमारी 100% करेक्ट है। तो आप दो चीज कर सकते हो, देखो या तो आप ऐसे करो इस वाले मेथड से, या फिर आप ऐसे कर रहे हो तो इसके अंदर भी आप दो चीज कर सकते हो। क्या, जब आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन टू, जब यहाँ पे आपने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आ गया साइन स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर बाय टू आ गया था, सॉरी टी स्क्वायर बाय टू आ गया, तब आप टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू। अब देखो यहां से अगर हम लिमिट्स चेंज नहीं करते, थर्ड मेथड देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर हमारे पास इंटीग्रेट करके आया टी स्क्वायर अपॉन टू, हम अभी लिमिट्स नहीं देख रहे, हमने टी की वैल्यू डाल दी साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन टू, अब हमने साइन की लिमिट्स लगा दी, एक्स की लिमिट्स क्या थी हमारी जीरो से पाई बाय फोर। आप सॉल्व करके देखना आपका आंसर यही आएगा वन अपॉन टू, यहां पे भी आपका वन अपॉन टू आंसर आएगा। अगर आपने टी की लिमिट्स चेंज कर ली तब भी आपका आंसर वन अपॉन टू आ रहा है, एंड आपने अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन करा, नॉर्मल इंटीग्रेशन करा तब भी आपका आंसर वन अपॉन टू आ रहा है। तो आपके ऊपर है, आप कोई से भी मेथड से लेके जाओ। मैं बोलूंगा अगर आपको फॉर्मूले पता है तब आप फर्स्ट वाले मेथड को यूज करो, अगर आपको फॉर्मूले पता है, देखो साइन टू एक्स हमें फॉर्मूला पता था, मतलब साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, डिवाइड कर देंगे उसके डिफरेंशिएशन से, ये चीज हमें पता थी। बट इन केस आपके पास कोई ऐसा ऐसी चीज आती है जिसका हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा आपको ये चीज करने के लिए, ये हमने ये लिमिट चेंज करी है ना, लिमिट्स चेंज करके करना, लिमिट चेंज करके करना आसान रहता है। आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा कि लिमिट चेंज नहीं कर रखी, पहले इंटीग्रेट कर लिया फिर वैल्यू आपकी सब्सटीट्यूट कर दी फिर से, जैसे हमने टी की जगह साइन एक्स दोबारा रख दिया था, तो वो चीज मत करना यहाँ पे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी सब्सटीट्यूशन मेथड है, बट उसमें आप देखना आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, उसमें हमें सब्सटीट्यूट करना ही पड़ेगा चीजों को। उसमें कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। उसमें जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन था, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा दी थी, वो चीज हमारे पास नहीं रहेगी। क्या क्वेश्चन है हमारा, टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड लिमिट्स क्या है हमारी, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन, लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट वन, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसको वो डेरिवेटिव करके tan इनवर्स x आता हो एंड उसके डिवीजन में हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर आता हो। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। हमें क्लियरली दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजीली लगा सकते हैं। क्या करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, हमने लेट करा, डेरिवेटिव लेंगे इसका tan इनवर्स x का, 1 अपॉन अंडर अंडर रूट नहीं आता tan में, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का डी एक्स एंड टी का हो गया डी टी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का हो गया डी एक्स, टी का हो गया डी टी। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। चलो सबसे पहले इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स की मतलब टी वैल्यू, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी, टी डी टी। ठीक, यहां तक सिंपल। अब लिमिट्स देखते हैं, वेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, हमारा t क्या होगा, t होगा tan इनवर्स 0 विच इज 0, तो जब हमारा x 0 है तो हमारा t की वैल्यू भी 0 होगी। उसके बाद when
एक्स इक्वल्स टू वन, हमारा टी इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन. टेन इनवर्स वन किस एंगल पे होता है? पाई बाय फोर पे. तो ये हो गया हमारा पाई बाय फोर. टेन पाई बाय फोर हमारा वन होता है, इसलिए टेन इनवर्स वन इक्वल्स टू पाई बाय फोर. तो हमारी अपर लिमिट हो गई पाई बाय फोर. अब हमारी सिंपली लिमिट चेंज हो चुकी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग चुका है, एंड अब आंसर निकाल लेते हैं. टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन टू, इसको ऐसे लिखेंगे, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट पाई बाय फोर. पाई बाय फोर का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा. ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन. ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इंटू टू टू थर्टी टू. ठीक, ये चीज हमने पाई स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 32, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. अगर आप इस तरीके से लिखते हो लिमिट्स को कैलकुलेट करते टाइम, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. वो आपको अगर हाफ मार्क्स डिडक्ट करने की सोच भी रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वो चीज नहीं करेगा. वो ये चीज देख के काफी उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है एंड एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसने प्रेजेंट कर रखा है अपना आंसर. अपना आंसर एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करा है, लिखा अच्छे से है, तो इसलिए आपको मार्क्स पूरे मिल सकते हैं अगर आपने पूरी चीजें सही करी है. फाइनल आंसर आपका सही आया है एंड इस वे में आपने लिमिट्स निकाली. कई बच्चे क्या करते हैं, आपका टी इक्वल्स टू टेन इनवर्स जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो सिर्फ इतना लिखेंगे फिर आपकी अपर लिमिट निकाल देंगे. वो चीज मत करना, जल्दीबाजी का खेल गड़बड़ हो सकता है. हो सकता है जल्दीबाजी में आप टेन इनवर्स वन को पाई बाय टू लिख दो तो वो चीज आपकी गड़बड़ हो जाएगी. तो हमने ये चीज समझी कि जब जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तब तब हमारी डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट्स चेंज होंगी. एंड कैसे चेंज होंगी, जो भी फंक्शन है उसमें हम वैल्यू रखेंगे, लोअर लिमिट पे हमें लोअर लिमिट मिलेगा, अपर लिमिट पे हमें अपर लिमिट मिलेगी, न्यू लिमिट्स. ठीक, और हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. और क्वेश्चन कौन कौन से हमारे, और हमारी 7.9 एक्सरसाइज में इतने खास क्वेश्चन कुछ है नहीं. हम एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. 5 x raised to the power 4 under root x raised to the power 5 plus 1 dx lower limit minus 1 upper limit plus 1. इंटीग्रेट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं. हमें साफ साफ दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूट किसे करना है. ठीक, x raised to the power 5 plus 1 equals to t square. स्क्वायर क्यों लिए, स्क्वायर इसलिए लिए कि आपका ये रूट हट जाएगा. ठीक, इंटीग्रेट करा, वो डेफिनेट डिफरेंशिएट करा, 5x raised to the power 4, 1 का हो गया 0, equals to x का हो गया dx, equals to 2t dt, ठीक, 2t dt, ये हमारी चीज हो गई, ये हमारी एक चीज हुई. अब लिखते हैं when x equals to minus 1, तो हमारा t क्या होगा, हमारा t equals to हो जाएगा 0, when x equals to 1, हमारा t क्या हो गया 2. तो देखो x, अगर x की लोअर लिमिट पे t की लोअर लिमिट है 0, x की अपर लिमिट पे t की अपर लिमिट है 2, अपर लिमिट पे 2 लोअर लिमिट पे 0, तो ये किसके इक्वल हो गया. सबसे पहले इंटीग्रल लिमिट 0 से 2, न्यू लिमिट जो हमने निकाली 0 से 2. अब वैल्यू पुट करते हैं इस पूरे की जगह 5x raised to the power 4, 5x raised to the power 4 into dx की जगह हमने लिख दिया 2t dt, एंड इस पूरे की जगह हमारा आ गया t स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर टी स्क्वायर आया, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया. अब इसको थोड़ा सा सही से हम लिखें अगर, तो ये हमारा 2 कांस्टेंट बाहर, 0 से 2 हमारी लिमिट, टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो हमारा 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2. फाइनल आंसर निकालते हैं 2, अपर लिमिट में हमारी 8 अपॉन 3 वैल्यू आएगी, टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया 8 अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट पे आंसर आएगा 0. ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 16 अपॉन 3. इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, कौन सा तरीका, यहां तक इंटीग्रेट करा, लिमिट्स नहीं निकाली हमने, लेफ्ट से हमने लिमिट्स कैलकुलेट नहीं करी. यहां से हमने लिमिट्स अगर कैलकुलेट नहीं करी होती तब हम कैसे निकालते, हमने लिमिट्स यहां से नहीं निकाली, यहां तक हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लिया. इसको हम लिखते 2, टी की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू दी पावर 5 प्लस 1 का क्यूब होल अपॉन 3. यहां पे लोअर लिमिट x की है माइनस 1,
एक्स की अपर लिमिट है प्लस वन, यहां से कैलकुलेट करके देखो यही आंसर आएगा। तो इससे बढ़िया है हम टी की ही लिमिट्स लगा के चलें, जीरो से टू, जीरो से टू, एंड हम एक्स में दोबारा से कन्वर्ट करने का झंझट ना लें। ठीक, यहां तक हमें चीजें समझ में आए। क्या क्या पढ़ा हमने? डेफिनेट इंटीग्रल्स देखा क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट पे जो वैल्यू है माइनस लोअर लिमिट में जो वैल्यू है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो लिमिट दे रखी है वो हम पुट कर देंगे। ए हमारी जनरली लोअर लिमिट होती है एंड बी हमारी जनरली अपर लिमिट होती है। कोई फंक्शन दिया है, डिफरेंस क्या क्या है इनडेफिनिट डेफिनेट में, डेफिनेट हमारा एरिया अंडर द कर्व या फिर एरिया कवर्ड बिटवीन ए एंड बी, ये चीज हमारी है। हमने सब्सटीट्यूशन मेथड सीख लिया, सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं, लिमिट्स चेंज कैसे करते हैं, लिमिट्स हमने इंटरचेंज कर दी। देखो जैसे इसमें एक्स की लिमिट्स दी थी, हमने टी की लिमिट्स निकाल ली, कैसे निकाल ली, इस चीज को यूज करके। यहाँ पे हमने एक्स को एक बार माइनस वन रखा, माइनस वन रखते ही माइनस वन की पावर फाइव, माइनस वन प्लस वन जीरो, पॉजिटिव वन रखा वन प्लस वन टू, तो सिंपल है काफी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है, हम एकदम रेडी हैं अब आगे की चीजें पढ़ने के लिए एंड हायर लेवल चीजें पढ़ने के लिए। ये तो जनरली एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी जो एग्जाम में आएगी वो आएंगी प्रॉपर्टीज, लिमिट एज अ सम, ये दोनों चीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमारे कुछ बचेगा ही कि हम आ जाएंगे मिसलेनियस पे, एंड एक बार हम मिसलेनियस पे आ गए तो उसको हम जल्दी से फिनिश कर लेंगे। सो अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के बेसिक समझ में आए एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व करा, तो इस वीडियो को थम्स अप दे देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।